ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जो संपादकीय पाठ है, जो एडिटोरियल होते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुँचाते हैं। और फिर आप देखेंगे यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग जरूर इन्हें पढ़ा करिएगा। और देखिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरे के पूरक मोदी और जो विपक्षी नेता मोदी के बाद शाह की बात कर भाजपा में विभाजन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से परिचित नहीं है। ये उमेश चतुर्वेदी के द्वारा लिखा जा रहा है। देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति से संबंधित आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। रोजगार सृजन की तेज होती गति। तो भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है, और इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने 5 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है, और जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में 2004 से 2014 के शासनकाल में केवल 2 लाख भर्तियां की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 9 वर्षों में आप देखिए 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल से करीब 6,000 अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 9 लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह IT, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित 9 संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई है। कोविड के बाद लगभग 5 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के पेरोल में शामिल हुए हैं एक तरह से, और आप देखिए इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार EPFO के दायरे में आए हैं, यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की हैं। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10% ही है, इसलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से आप देखिए 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए हैं, और 8 करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, और जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया है। कोरोना काल में इस पहल से देश में आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना काल में ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से आप देखिए 1.8 लाख करोड़ रुपए के MSME ऋण को NPA बचने से बचाया गया, और जिससे आप देखिए 1.5 करोड़ नौकरियां बची और नए रोजगार भी सृजित हुए। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला है, और जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों में और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है, और 7.9 लाख को विभिन्न नौकरियों में सीधे नियोजित किया गया है। और आप देखिए ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया, और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है, और एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी ई श्रम पोर्टल पंजीकृत किया गया है, और PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, और पिछले 9 वर्षों में 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में 2 से 5 लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिनमें से आप देखिए 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत SC/ST लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपए से अधिक क्रेडिट दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक SC/ST उद्यमियों को बैंक क्रेडिट और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्राम उद्योग
आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करने का एक नया आयाम स्थापित किया है। और आप देखते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में 448 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। प्रत्येक अतिरिक्त 1 अरब डॉलर के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। PLI योजना से भी असंगठित संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं। भारत का लक्ष्य 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग में 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं। रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भी करोड़ों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ही करीब 3 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 थी, जो बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है, और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इस प्रकार आप देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, तो आज जो आज 3.2% रह गई, इसी वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनका नाम है अभिनव विकास के द्वारा यह लिखा गया। तो देखिए, सरकार की तरफ से अगर पहल लिखनी है तो ये सब आप लोग बता सकते हैं, ठीक। माता पिता का सम्मान, और ये आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत कम देखने को मिल रहा है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जब माँ बाप से बात करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। आप सोचिए, तरस आता है जिस भाषा में वो बात करते हैं आजकल। माता पिता का सम्मान, तो इन दिनों माता के साथ पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने की घटनाएं खूब देखी सुनी जा रही हैं। और प्रयास यह भी देखा जाता है कि घर में बूढ़े असक्त और बीमार माता पिता को बच्चे किसी न किसी बात पर झड़क देते हैं, उनको अपमानित करते हैं। इस तरह के आचरण से माता पिता की उपेक्षा करने की बातें प्रयास सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों पर गौर किया जाए तो धर्म ग्रंथों के अनुसार यह पूर्णता अनुचित है, क्योंकि माता पिता को प्रथम देवता माना गया है, और स्थिति में देवी देवताओं के दर्शन पूजन पर और चढ़ावा से मनोवांछित भौतिक कामनाएं किसी भी सूरत में पूरी नहीं होंगी अगर माँ बाप को दुखी रखे हुए। माँ की महत्ता के संदर्भ में श्रीमद भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि नन्हे कृष्ण द्वारा चोरी से माखन खाने की शिकायत पर माँ यशोदा स्नेह से ही सही डांटती ही नहीं, और बल्कि एक डंडा हाथ में लेकर उन्हें मारने की धमकी भी देती है। कृष्ण आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें बचाने आए। जब भी कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं तब आकाश में बहुसंख्यक देवता उनकी बाल लीला देखने के लिए प्रकट हो जाते, लेकिन माँ द्वारा स्नेहपूर्ण प्रताड़ना के वक्त कोई देवता नहीं प्रकट हुआ। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में कृष्ण के मन में यह विचार आया कि संकट की घड़ी हो, कोई कष्ट दे रहा हो या मारपीट रहा हो, तब सच्चे मन से इष्ट देव को याद करने पर ईश्वरीय मदद तो मिल सकती है, लेकिन जब माँ ही दंड दे रही हो तब ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई भी प्रकट नहीं हो सकता। माँ को जब कष्ट दिया जाता है एवं उपेक्षा की जाती है तब उसके अंतर्मन को पीड़ा पहुंचती है। उसी अंतर्मन में स्थित देवी देवताओं को भी खिन्नता होती है। ऐसे संतानों की उन्नति और प्रगति के रास्ते अवरुद्ध होने लगते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। झूठ की पोल खुली। नागरिकता संशोधन कानून के नियम को अधिसूचित करने के 2 माह के अंदर 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही कहा कि इस कानून को लेकर झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया गया और दंगे भी कराए गए। चूंकि झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम विपक्षी दलों की ओर से किया गया, इसलिए वे इस आरोप से बच नहीं सकते। उन्होंने लोगों को गुमराह कर सड़क पर उतारा। इन्हीं लोगों ने हिंसा उपद्रव का सहारा लिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए उनमें सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया गया, जान माल की क्षति भी हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों के कारण लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों को भी कुछ ज्यादा ही, क्योंकि यहां पर शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को अवरुद्ध कर महीनों तक यातायात बाधित रखा गया, और इसी अराजक धरने के कारण दिल्ली को भीषण दंगों का सामना करना पड़ा जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इससे देश की बदनामी भी हुई, क्योंकि इन दंगों के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे। और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरगलाया गया, इसका एक प्रमाण यह है कि 2 माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए, वह में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से।
स्पष्ट है कि लोग समझ चुके हैं कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यही कोरी अफवाह भी थी। इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो तीन पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए वहां से उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दिनहीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? आखिर इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना गलत कैसे है? यह तो भारत का नैतिक दायित्व है और एक तरह से विभाजन के समय ही भूल को सुधारने की कोशिश भी है। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने में लगे हुए और उनके दबाव में आकर कांग्रेस भी यह कहने लगी है कि सत्ता में आते ही वह सबसे पहला काम इस कानून को खत्म करने का करेगी। आखिर कांग्रेस या फिर अन्य दल यह अमानवीय अनैतिक काम करने का वादा क्यों करने में लगे हुए हैं? एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखना है, आप लोगों का क्या पॉइंट व्यू रहता है इस तरह के एडिटोरियल पर? आप लोग उस पर राय दिया करिएगा टॉपिक पर अपनी, ठीक है, जैसी भी राय हो आपकी। चुनाव में धनबल, तो चुनाव में धनबल का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसा करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इस बार का आंकड़ा चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात भी है। चौथे चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपए की मूल्य की ड्रग्स, शराब और नकदी जमा की है और हमारे देश में तो आप देखिए चुनाव पैसे का ही रह गया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जो 2019 के चुनाव से दुगना से अधिक है। इतनी बरामदगी के पीछे एक तो यही कारण है कि आयोग के पास इस बार अधिक संसाधन है और उसने लोगों की सी विजिल जैसे ऐप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और जिससे ना सिर्फ उसे अधिक सूचनाएं मिल रही हैं बल्कि कार्रवाई में भी तेजी है। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव में प्रयुक्त किए जा रहे धनबल का यह आंशिक हिस्सा है। मतदाताओं के इसके इतर भी प्रलोभन देकर कोशिश हो रही होगी जो चुनाव आयोग के अधिकारियों की निगाह में नहीं आ रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि आयोग ने अब तक 285 करोड़ रुपए से अधिक की शराब और ड्रग्स जब्त की है जो युवाओं के लिए खतरनाक है। मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनका वोट हासिल करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए नासूर है और आप देखेंगे जिसका इलाज किया जाना चाहिए। और यह इलाज कोई कर सकता है तो सिर्फ मतदाताओं को प्रत्याशियों का मतलब और अपने वोट का महत्व समझना होगा। ऐसे प्रत्याशियों को उनके समर्थकों के बारे में न सिर्फ आयोग को सूचना देनी चाहिए बल्कि सामूहिक रूप से उनके बहिष्कार का निर्णय किया जाना चाहिए। मताधिकार इतनी सस्ती चीज नहीं है कि थोड़े से रुपयों या शराब की बोतल पर बिक जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश अधिक होती है। महिला सहायता समूह अपनी सक्रियता से इस पर रोक लगा सकते हैं। प्रत्याशियों के चयन मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर और उसके आचरण के आधार पर किया जाए। ऐसा करके लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना। देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। महिला लोको पायलट की परेशानी तो हमने बहुत ही प्रगति कर ली, लेकिन अफसोस है कि देश के ट्रेनों के लोको पायलट के लिए ड्यूटी के दौरान इंजन में एक अदद बाथरूम तक नहीं है। परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि पुरुषों की इस दौरान तो फजीहत होती है लेकिन महिला लोको पायलट की मुसीबतें और भी दयनीय हो जाती हैं। यह हाल में उन यात्री ट्रेनों की काफी है जिसमें हर डिब्बे में चार टॉयलेट होते हैं। अब इसे विडंबना कहें या फिर अनदेखी, लेकिन इस सच्चाई में से सबसे ज्यादा सामना महिला लोको पायलट का ही होता है। ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से चलती रहने वाली शारीरिक प्रक्रिया के चलते बाथरूम की जरूरत पड़ना नहीं मिलने पर मानसिक और शारीरिक यातना की कल्पना से ही सहरन होती है। वर्तमान में आप देखिए 1700 से अधिक महिलाएं देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट हैं। लोको पायलट को इंजन के में रहते हुए बाथरूम की जरूरत के दौरान कितनी और किस किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता होगा। हालांकि रेलवे में बाथरूम ब्रेक का वर्तमान में अनौपचारिक प्रावधान है और इसके लिए बाकी टॉकी से निकटतम स्टेशन की सूचना देनी होती है। विडंबना यह है कि महिला लोको पायलट के लिए इसमें भी काफी जोखिम है। छोटे छोटे स्टेशनों पर शौचालय के उपयोग के लिए इंजन से बाहर निकलकर किसी खतरे से कम नहीं है क्योंकि आमतौर पर आप देखिए स्टेशनों पर बाहरी तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस युग में पूरे देश में यह समस्या लजाने वाली है। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड के उपयोग में
कई कई किलोमीटर के इंतजार के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कब सुरक्षित है और सुविधाजनक जगह मिले। विशेषक व्यवस्था के चलते भी कम से कम पानी पीते हैं ताकि शौचालय की जरूरत ना पड़े। 1909 में सवारी गाड़ियों में पहली बार प्रथम श्रेणी के डिब्बों में टॉयलेट सुविधा प्रारंभ हुई थी, जो सुरक्षा कारणों से इंजन तक नहीं पहुंची। वह दौर स्टीम का था, जिसमें डिजाइन और जगह की कमी के चलते संभव नहीं था, लेकिन डीजल इंजन बनाते समय संभवतः नजरअंदाज किया गया होगा, वरना इतनी देर लगी होती। काफी शोर शराबा, ज्ञापनों और विभिन्न रेल संगठनों के ध्यान आकर्षण के बाद रेलवे की तंद्रा भंग हुई है। 2016 में पहली बार लोको पायलट के लिए इंजन में टॉयलेट बनाना शुरू हो तो हुआ, लेकिन यह बहुत थोड़े ही तक सीमित रह गया। यह संख्या अब तक 100 भी पार नहीं कर पाई है, जबकि भारत में 14,000 से अधिक डीजल और विद्युत इंजन है। और समय सीमा तय कर अविलंब इंजनों में भी बाथरूम बने और ताकि लोको पायलट आगे और शर्मिंदगी और मानसिक शारीरिक यातनाएं ना झेलें। महिलाओं की समस्या में ये भी आप लोग जोड़ सकते हैं, कहीं आप लोग महिलाओं पर आंसर राइटिंग निबंध लिख रहे हैं, वहाँ सुझाव भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा, देखना हुआ करे तो। जनसांख्यिकीय संतुलन की आवश्यकता, जनसंख्या। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1950 में हिंदुओं की आबादी का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 तक आप देखिए घटकर सिर्फ 78.06% रह गया है। जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1950 में 9.84% से बढ़कर ये 2015 में 14.9% हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारत की कुल जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2015 में 132.29 करोड़ हो गई है। और आप देखेंगे कि और इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समेत सभी समुदायों की आबादी में बढ़ोतरी हुई, लेकिन खास बात यह है कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर अन्य सभी जातीय समूहों से ज्यादा रही है, जबकि हिंदू आबादी 1951 में 30.57 करोड़ से बढ़कर 2001 में 82.75 करोड़ हुई, यानी कि 2.2% वार्षिक वृद्धि दर, और मुस्लिम आबादी 3.55 करोड़ से बढ़कर 13.8 करोड़ हो गई, 2.75% की वार्षिक वृद्धि। सिखों की जनसंख्या 0.69 करोड़ से बढ़कर 1.94 करोड़ हो गई, ईसाइयों की 0.83 करोड़ से बढ़कर 2.41 करोड़ हो गई, यानी 50 वर्षों में क्रमशः 0.9% और 2.15% की वार्षिक वृद्धि दर है। कुछ लोगों का तर्क है कि पिछले 2 दशकों में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो गई है, हालांकि यह सच है कि 2001 से 2015 के बीच विभिन्न जातीय समूहों की जनसंख्या वृद्धि में दर में गिरावट आई है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि अभी भी अन्य धार्मिक समूहों से बहुत आगे है। 2001 और 2015 के बीच हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 1.61, 2.17 और 1.68 और 1.82 रही है। और इस रिपोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को दबाया और सताया जाता है, लेकिन आंकड़े इस नैरेटिव की कुक को पूरी तरह से नकारते हैं। जनसांख्यिकीय में सामान्य परिवर्तन, उल्लेखनीय है कि भारत में 1951 में प्रजनन दर 5.99 थी, जो आप देखिए 1900 आप देखेंगे कि 81 में बढ़कर एक बढ़कर 1981 में घटकर 4.80 और 2011 में 2.56 हो गई। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत में प्रजनन दर 2.12 तक पहुंच गई। जनसांख्यिकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी देश की कुल प्रजनन दर 2.1% से नीचे गिरती है तो उस देश की जनसंख्या कुछ समय बाद घटने लगती है, और इसलिए प्रजनन दर का 2.12 तक पहुंचना जनसंख्या के लिए खतरे की घंटी है। पिछले कुछ समय से भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से कुछ समय बाद वास्तविक जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि चीन में इसी ऐसी स्थिति पहले ही आ चुकी है और यूरोप के कई देश भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अफ्रीका के बाद भारत भी उन चंद देशों में शामिल हैं जहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब भारत में भी जनसंख्या में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में पीएम
एसी की रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भले ही आने वाले समय में कुल जनसंख्या में कमी आएगी, लेकिन उससे भी हिंदुओं की जनसंख्या जो पहले से ही अनुवातिक रूप से कम हो रही है, इसलिए निरपेक्ष रूप में भी कमी होनी शुरू हो सकती है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। हम यह कह सकते हैं कि हिंदू जनसंख्या के नुकसान की भरपाई मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि से होगी। शिक्षित वर्ग की जनसंख्या में गिरावट, तो जनगणना और अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि निरक्षर और कम शिक्षित महिलाओं में कुल प्रजनन दर 2011 में 3.17 रही, लेकिन स्नातक या उससे ऊपर की महिलाओं में प्रजनन दर जो 1951 में 1.62 थी 2011 में घटकर 1.40 रह गई। अभी भी इसमें और गिरावट की संभावना है। इसी तरह स्नातक से कम शिक्षित अन्य महिलाओं में भी प्रजनन दर अपेक्षाकृत कम होती है। यदि हम शिक्षा के मामले में विभिन्न धार्मिक समूहों की तुलना करें तो मुस्लिम समुदाय अभी भी हिंदुओं की तुलना में कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है, और इसलिए आशंका है कि मुस्लिम आबादी में वृद्धि जारी रहेगी जबकि हिंदू आबादी में गिरावट आ सकती है। यदि हम उच्च बात करें तो 2001 में 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में मुस्लिम समुदाय में स्नातक और अधिक शिक्षित लोगों की संख्या केवल 6.7% थी जबकि हिंदुओं में यह 12.5% थी। शिक्षा और कुल प्रजनन दर के बीच संबंधों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कम शिक्षित मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती हैं जबकि अधिक शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर कम होती है। यानी मुस्लिम आबादी में वृद्धि और हिंदू आबादी में कमी को हिंदू मुसलमानों के बीच शिक्षा के स्तर में अंतर से भी समझाया जा सकता है। और ये आप सभी जानते हैं, कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो, जाति हो, आप सभी जानते हैं कि पढ़े लिखे होंगे तो कम ही बच्चे करेंगे क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं। और कैसे लाया जाए संतुलन, तो आप देखिए एक आम धारणा है कि मुसलमान अपनी परंपराओं, दर्शन और धार्मिक मान्यताओं के कारण बड़े परिवार रखते हैं। और आप देखिए अतीत में गरीब हिंदू भी यह मानते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन है, लेकिन अधिकांश मुसलमान अपने आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अभी भी उसी पर विश्वास करते हैं। हमने देखा है कि आर्थिक समृद्धि, शैक्षणिक विकास और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ जन्म दर, मृत्यु दर और की प्राकृतिक वृद्धि दर सभी में कमी आ रही है। विभिन्न धार्मिक समूहों में शैक्षणिक और आर्थिक मानकों में अंतर भी विभिन्न जातीय समूह में प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि में अंतर को स्पष्ट करता है। जनसंख्या असंतुलन को ठीक करने की आवश्यकता है। और जनसंख्या संतुलन के लिए सुझाव, सबसे पहले हमारी आबादी विशेष रूप से मुस्लिम आबादी को शैक्षणिक रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है, इससे कुल प्रजनन दर और भी जनसंख्या वृद्धि करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, जब तक हम उच्च शिक्षा मानकों तक नहीं पहुंच जाते या उसके बाद भी धार्मिक मान्यताओं और मनोविज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि जारी रहे और इससे निपटने के लिए सांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और हतोत्साहित का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पिछले कुछ समय से जनसंख्या नीति पर बहस चल रही है। जनसंख्या संतुलन प्राप्त करने और आर्थिक और शैक्षणिक एवं सामाजिक मानकों के दृष्टिकोण से भविष्य की जनसंख्या को उन्नत करने के लिए जनसंख्या नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परिवार को सीमित करने हेतु कुछ कानूनी प्रावधान भी इस दिशा में समाधान दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये लिखा है डॉक्टर अश्विनी महाजन, प्रोफेसर PGDAB कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। नियंत्रण पर कुछ लिखने के लिए आता है, संतुलन पर कुछ लिखने के लिए आता है, तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी, तो असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति की बागडोर ज्यादातर महिलाओं ने ही संभाल रखी है। देश की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में असंगठित क्षेत्र की अपनी भूमिका है और इसमें कोई दोराय नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति को भले ही आप देखते हैं कि मेहनत का पूरा पैसा ना मिलता हो, परंतु इस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर बहुत बड़े वर्ग की रोजी रोटी असंगठित क्षेत्र पर ही टिकी हुई है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और इसमें रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नियमित आय का न होना, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित बहुत सी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हालांकि सरकार असंगठित क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए समय समय पर योजनाएं लाती है और ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर उनकी वास्तविक संख्या एवं आवश्यक जानकारी जुटाते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खैर, बात भले ही थोड़ी अजीब लगे परंतु वास्तविकता तो यही बयां करती है कि आज देश में असंगठित क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक हो गई है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर देश के में 29,56,00,000 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। असंगठित क्षेत्र में आज महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी आधी से भी ज्यादा हो चुकी है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से ही बात करें तो इसमें पंजीकृत 29 करोड़
56 लाख श्रमिकों में से 53% से भी अधिक महिला श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जबकि पुरुष श्रमिकों की संख्या 40% से कुछ अधिक है। भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों की बात करें तो केरल में सबसे अधिक 59.79% महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल आदि में भी पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों की अधिक है। खेती व पशुपालन महिलाओं के भरोसे ही चल रहा है। शहरों में घरेलू कामकाज एवं रियल एस्टेट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। बने की दुकान, चार नाश्ते की स्टॉल या इसी तरह की किसी दुकान में काम करने वाले, बेलदारी के काम की प्रतीक्षा करने वाले, खेतों में जुताई कटाई इसी तरह के काम करने वाले, छोटे दस्तकारों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, गली मोहल्ले में घूमने वालों, वेंडर्स और अस्थायी रूप से काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। और आप देखिए, रोजाना मजदूरी के आधार पर काम करने वाले लोगों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें महिलाओं और पुरुषों की श्रमिक दोनों ही शामिल हैं। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी व सामाजिक संगठनों को आगे आते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज बनना होगा। साथ ही महिलाओं की कार्यस्थल संबंधी समस्याओं को भी समझना होगा। सरकार को भी इस क्षेत्र में किस श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए फोकस करना होगा। ये सड़कें चौड़ी हो गई, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। बाकी राजनीति आप देख ही रहे हैं। चुनावी मौसम में पानी का संकट, देश के अनेक इलाकों में जल संकट की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान यह अपेक्षित रूप से बड़ा मुद्दा बन पा रहा है, फिर भी इस ओर सभी को पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा यह संकट भी बनेगा। चलिए देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु की तरफ देखिए, लोग तरसने लगे पानी के लिए। पिछले लगभग 2 माह से बेंगलोर में पानी की समस्या निरंतर बढ़ रही है। हैदराबाद की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है, आसन्न संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड को धन आवंटित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश सरकार के प्रमुख वित्त अधिकारी से कहा था कि इस मामले में वित्त विभाग के जवाब से दिल्ली में जल आपूर्ति का संकट गहराने की आशंका पैदा हो गई है। बीते साल बारिश की कमी के कारण कर्नाटक के एक बड़े हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। हालांकि पिछले वर्ष औसत से कम बारिश हुई, लेकिन मई से लेकर नवंबर तक बराबर शहर झील में तब्दील होता रहा। और जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक झीलों और अन्य जल स्रोतों की संख्या लगभग 27,000 थी। इनमें से लगभग आधी के 21,000 अब गायब हो चुके हैं। केवल बेंगलोर में ही लगभग 1,500 जल स्रोत थे और इनमें से अब करीब 200 से भी शेष बचे हुए। इनकी जगह ऊंची इमारतें खड़ी हो गई, हरे भरे हिस्से की जगह अब टैग पार्क और बड़े बड़े रिहायशी अपार्टमेंट ले चुके हैं। बाढ़ और सूखे की भयावहता को बढ़ाने में इस तरह के मानव जनित बदलाव का बड़ा योगदान है। अब सरकार का प्रयास क्या है, तो सरकार जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करे। जल जीवन मिशन हो गया, अमृत सरोवर योजना, अटल भूजल केंद्र सरकार की योजना है। 5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया। 2024 तक हर घर को नल से जल देने की घोषणा की। जल संचयन के लिए अमृत सरोवर योजना में तालाब खोदे गए। इसी उद्देश्य से अटल भूजल योजना भी आरंभ की गई। राज्य में केंद्र की मदद से चलने वाली इस योजना के समय अपने ओर से भी खूब प्रयास किया है। इसके बावजूद 18वीं लोकसभा चुनाव के इस मौसम में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। क्या ऐसा संभव हो पाता है यदि राजनीतिक दल इस संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो? नौकरशाही पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सारी शक्तियां बाबुओं के हाथों में। चुनाव के इस मौसम में राजनीतिक दलों में सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की होड़ लगी है। ऐसा एक लोकसभा सीट खोजना मुमकिन नहीं है जहां पर नेतागण आरोप प्रत्यारोप में नहीं लगे हों। महानगरों की गलियों में राजनीतिक दलों के तमाम ऐसे विज्ञापन चिपके हुए हैं जिनमें सभी दल का एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की एक पीठ ने सचेत किया था कि जनता उनके मॉब लिंचिंग कर सकती है। और देखिए, एक बात याद रखिए, कहीं पानी के संकट के बारे में बता रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में बता सकते हैं। अपनी तरफ से कुल सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं। जल बोर्ड में अनियमितता, तो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन भेजे। इनमें से एक यह दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा है। विजय नायर मनीष सिसोदिया की तरह बोर्ड के मुख्य अभियंता रहे जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल अग्रवाल इसी मामले में जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव वित्त ने हलफनामा दायर कर कहा कि बोर्ड को पिछले 9 वर्षों में 28,400 करोड़ रुपए दिए गए। सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 2 वर्षों में से बैलेंस शीट भी तैयार नहीं की है। महालेखाकार ऑडिट रिपोर्ट इसी एक वजह से प्रस्तुत नहीं कर पाती है। बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। यह रकम बहुत बड़ी है। यदि जल बोर्ड में किसी प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं तो फिर दिल्ली के जनता के समक्ष व्यापक जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। सिकुड़ते जल स्रोतों के चिकड़ने का आंकड़ा देश में केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है। पैनी नजर से देखने पर पिछली सदी में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या भी सैकड़ों में दिखती है। बेंगलोर की तरह दिल्ली के जल स्रोतों को भी उन शक्तियों ने खत्म किया है। यह सब विरोध प्रदर्शन में लगी जमात ने यह नहीं देखा जो उनके पूर्वजों ने अवश्य देखा होगा। जल के स्रोतों का संरक्षण तभी तक हो सकता है जब तक आप देखिए समाज में यह जिम्मेदारी अपने जिम्मे रखिए और राजनीतिक वर्ग पर काम बाबुओं और कंपनियों को सौंप कर मुक्त हो जाने गया। नतीजा भी सामने है। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के दौर में कुएं बावड़ी और तालाब ही नहीं भूगर्भ में संचित जल भी सूखते जा रहे हैं। नागरिकों को सर्वोच्च मानने वाले लोकतंत्र में जनता ही सर्वाधिक जिम्मेदार है, इसलिए पानी की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को इस बात को समझकर मतदान करना होगा कि 5 साल बाद उपस्थित होने वाला यह मताधिकार है कि समस्याओं को दूर करने की कुंजी है। लिहाजा पानी भी चुनावी मसला बने इसका ध्यान मतदाताओं को भी रखना होगा। और हम लोग अगर आप देखिए मतदाता इस तरह के मुद्दों पर वोट देंगे तो नेताओं की मजबूरी बन जाएगी इस तरह के मुद्दों को उठाने की, इस तरह के मुद्दों पर काम करने की। लेकिन हमें वोट उन्हीं मुद्दों पर देना चाहिए जो हमारे आधारभूत जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल है उनके बारे में बात कर ली। जनसत्ता का एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लग, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसी से जुड़ा हुआ है भारत ईरान संबंधों का भविष्य। मैं आप लोगों से कह भी रहा हूँ कि आप लोग अपने सिलेबस को कंठस्थ याद रख लीजिए। तो आप लोग जब इन एडिटोरियल को पढ़ा करेंगे ना तो आप लोगों को मालूम चला करेगा अच्छा ये टॉपिक उस पेपर से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे चाबहार पोर्ट का निर्माण भी हम लोगों ने किया, ईरान, ये ईरान देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्रवेश प्राकृतिक प्रवेश द्वार है जिसमें भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है। एशिया महाद्वीप की 2 महाशक्तियां भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की पर्ल ऑफ स्पिंग के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दाव पैंचों के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अभी शुरू हो रही है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिकी विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या फिर मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश, अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई हैं। इस बीच भारत अमेरिका सहयोग बढ़ा है। हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालिक समय तक समान रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं, क्योंकि आप देखिए अमेरिका और ईरान में दुश्मनी चलती है एक तरफा। ईरान चीन की वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा उद्योगों और सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है तथा वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी भी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। वह अपना तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट हैं जो इसकी लागत को कम करता है और इससे आप देखिए ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ है। एक
बना हुआ एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए विषम पिछले 4 वर्षों से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया और इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई हैं। वहीं ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा और अब आप देखिए चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है और इससे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके कई भू राजनीतिक कारण हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों द्वारा तक सीमित करने के लिए एक उत्तर दक्षिण गलियारा का निर्माण किया जा सके और ईरान में कैस्पियन सागर पर बने अस्तरा बंदर और अंजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्तरा खान बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी है। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह अब भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो गया कि ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दाव कामयाब हो गया है। यही नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में मददगार होगा। ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफी उत्साहित है क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधे अफगानिस्तान जाता था वह अब जहाजों के जरिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा, फिर वहां से ट्रकों के द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीटर्सबर्ग, मध्य एशिया का लैंड लॉक्ड इलाके तक जुड़ जाएगा और इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर गुजरात के कांडला बंदरगाह से केवल 6 दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या फिर सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी होगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस लाई जा सके, मगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालिक योजना ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसे पूरी होगी इसको लेकर गहरा असमंजस है और चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदों के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान, रूस है। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना भी कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना भी कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं और रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति जब्त कर ली गई और कुछ तो वित्तीय संस्थानों के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस की तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय संघ ने समुद्र रास्ते से कच्चे तेल की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और आप देखिए चाबहार बंदरगाह बाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और फिर ईरान की कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्विरोध और विरोधाभास हैं। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजराइल भारत के महत्वपूर्ण और आर्थिक सामरिक साझेदार हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार हैं और दोनों के बीच सहयोग, व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरे सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित है और चाबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है कि चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों से व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे
ये है संपादकीय पाठ की कहानी, आप लोग पढ़ते रहिए। कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, चाबहार फोर्ट के बारे में लिख रहे हैं, भारत ईरान संबंधों के बारे में आप लोग लिख रहे हैं, तो इनका सबका उपयोग कर सकते हैं आंकड़ों का, कि इसके फायदे भी हैं लेकिन चिंताएं भी हैं। जो चिंताएं आपको बताई जा रही हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं। यही तो आपको करना है, और क्या करना है, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ना है, समझ रहे हैं आप। अब दो देशों के बीच अगर आप देखते हैं कोई समझौता हो रहा है, उसके फायदे हैं लेकिन उसकी चिंताएं भी तो होंगी कुछ, उन चिंताओं का भी आपको उल्लेख करना हो, आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा रहेगा, प्रभावकारी बनेगा, वजन रहेगा आपके उत्तर में। ठीक है, ईमानदारी से तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद।